नी की तरफ ड्रॉप करेंगे ऐसे सांस छोड़ते हुए, वन सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए वन। दोस्तों आज मैं आपको बता रही हूँ इतने सुपर इजी और इतने बेहतरीन स्ट्रेचेस जिनका कि अभ्यास कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे जिन्होंने पहले योग का अभ्यास किया हो चाहे नहीं किया हो, इट डजेंट मैटर आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं। अब इन स्ट्रेचेस का बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी गर्दन पर, कंधे पर पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत अच्छा आएगा। तो अगर अभी करंटली अगर आपको गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द और आपकी कमर का दर्द परेशान कर रहा है तो ये प्रैक्टिसेस के अभ्यास से आपको उसमें बहुत राहत मिलेगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर नहीं भी है तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल हो जाएगी जिससे कि आप चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। तो इन अभ्यासों को कीजिए, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हर एक स्ट्रेच की बारीकी को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा के इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो अभ्यास की शुरुआत हम कुछ वार्म अप करके करेंगे। तो वार्म अप करने के लिए चाहे तो आप ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं, यानी सुखासन में बैठ जाएं। अगर घुटने में दर्द नहीं है और आप फ्लेक्सिबल हैं तो थोड़ा और एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पाम्स को अपने थाई के ऊपर रख लें। सबसे पहले हम अपनी गर्दन की मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, नेक जॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे गर्दन को धीरे 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 मूव करते हुए सीलिंग की तरफ देखिए, यानी छत की तरफ देखिए, और सांस छोड़ते हुए चिन को कोलर बोन की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दीजिए बहुत आराम से। गहरी लंबी सांस लेते हुए छत की तरफ देखें धीरे 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 धीरे, और सांस छोड़ते हुए चिन को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दें। लेकिन बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि जब नेक की मूवमेंट एक्सरसाइज करेंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये प्रैक्टिस ना करें। कंट्रोल करके गर्दन को धीरे धीरे छत की तरफ देखें और फिर धीरे धीरे चिन को अपनी कोलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दें। दो बार और देखिए, लुक अप टुवर्ड द सीलिंग, इनहेल, चिन टुवर्ड्स योर कोलर बोन, एक्सहेल। एक बार और, लुक अप टुवर्ड द सीलिंग, इनहेल एंड चिन टुवर्ड्स द कोलर बोन, एक्सहेल। तो ये हो गई नेक की एक्सरसाइजेस। अब हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी शोल्डर की, जिससे कि शोल्डर की मसल्स एक्टिवेट हो जाएं। तो कैसे? पहले अपने कंधे को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएं, फिर पीछे की तरफ ऐसे रोल बैक कर दें, फिर उसके बाद डाउन ड्रॉप कर दें, फिर आगे की तरफ गर्दन कंधों को ऐसे मिलाएं। अप बैक डाउन फॉरवर्ड, अप बैक डाउन फॉरवर्ड, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं। 2, 3, 4 and 5। और पूरे प्रैक्टिस के दौरान आपने देखा मेरी स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी है। अब ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो पहले आगे फिर नीचे फिर पीछे फिर ऊपर फिर आगे फिर नीचे फिर पीछे फिर ऊपर, 3 बार और। फॉरवर्ड डाउन बैक अप, फॉरवर्ड डाउन बैक अप, फॉरवर्ड डाउन बैक अप। तो इस तरीके से आपके शोल्डर्स भी एक्टिवेट हो गए। आप जो अगली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपनी सर्वाइकल रीजन और थोरेसिक रीजन को एक्टिवेट करने के लिए कर रहे हैं। तो दोनों हाथों को ऐसे अपने कुहनियों से यानी एल्बो से मोड़ लें, इस तरीके से डल होके ना बैठें। स्पाइनल कॉर्ड को भी सीधा करें, गर्दन को भी सीधा करें, और आपकी एल्बो जो है उसको कंधे के लेवल तक रखें, ऐसे नीचे ना रखें या बहुत ऊपर ना रखें, सेंटर पे रखें। और दोनों चेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से ओपन होता हुआ फील करें, सामने देखें और सामने देखते हुए सांस लें और फिर नॉर्मल सांसें रखें, ऐसे ट्विस्ट करें। 1, 2, 3। बहुत अच्छा, अपनी पूरी की पूरी चेस्ट के पीछे थोरेसिक रीजन पे और गर्दन पर महसूस करेंगे। 3 बार और, ऐसे 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 और ऐसे।
तो ये हो गई आपकी एक्टिवली आपने अपनी स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया और हाथ को जब मोड़ के रखा था तो इसका इफेक्ट आपके कंधे पर भी आ गया। तो ये तो हो गए सारे जेंटल वार्म अप। अब चूंकि आगे की प्रैक्टिसेस सारी बैठकर ही हैं तो किस तरीके से आगे की प्रैक्टिसेस करेंगे ये देखें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। आपको करना सिर्फ इतना है कि ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ताकि क्लास के बारे में जो भी डिटेल है आपको भेज दी जाए। अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की डेट में मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, उनको मदद करती हूँ उनकी हेल्थ कंडीशन से उबरने में ताकि वो पूरी ज़िंदगी योग का अभ्यास कर सकें। फिर चाहे वो कोई भी हेल्थ कंडीशन हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, या कि ओबेसिटी की समस्या, PCOD की, PCOS की समस्या, इंसोमनिया की समस्या, किसी भी तरीके की समस्याएँ हो। अब जो हम अगला अभ्यास कर रहे हैं इसको कहते हैं सीटेड कैट एंड काउ स्ट्रेच, यानी बैठे बैठे ही कैट स्ट्रेच और काउ स्ट्रेच करना। ये बहुत ही आसान है जिनके घुटने में दर्द हो या ज़्यादा उठ बैठ नहीं सकते। तो दोनों पाम्स को ऐसे अपने घुटने के ऊपर रख लें और दोनों एल्बो को ऐसे मोड़ के रखें। अब गहरी लंबी सांस लें, धीरे से अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें और छत की तरफ, सीलिंग की तरफ देखें। तो अभी हमने जो पिछली प्रैक्टिस की है नेक और स्पाइन की और कंधों की, वो सारी एक साथ आ गई। और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपनी नाभि की तरफ देखें और एल्बो को सीधा कर दें और कंधों को आगे की तरफ ऐसे पुश करें। गहरी लंबी सांस लें और छत की तरफ देखें, चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें, दोनों एल्बोज को पीछे की तरफ एक दूसरे की तरफ। और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना ना भूले, जिससे पेट पर भी इसका अच्छा इफेक्ट आएगा। और गहरी लंबी सांस लें, धीरे से चेस्ट को देखिए कितनी अच्छी तरीके से, जैसे ही चेस्ट ओपन होगा इसका इफेक्ट आपके हार्ट पर, आपके फेफड़ों पर, पूरी रिब केजेस पर और आपकी ब्रेस्ट की मसल्स को भी बहुत अच्छी तरीके से ये एक्टिवेट कर देगा। सांस लें, छत की तरफ देखें, दोनों एल्बोज को एक दूसरे की तरफ लेके आए, स्पाइनल कॉर्ड को आर्च करें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें और दोनों एल्बोज को ऐसे सीधा कर लें। अगर आप वज्रासन की पोजीशन पे बैठ सकते हैं, यानी ऐसे दोनों पैर के बड़े अंगूठे को एक दूसरे के साथ कर लिया, हील्स को एक दूसरे से दूर किया और आराम से ऐसे बैठ गए, और अब ऐसे करें सीटेड कैट एंड काउ स्ट्रेच। देखिएगा घुटने में दर्द होगा तो पिछली प्रैक्टिस कीजिएगा, घुटने में दर्द नहीं है तो ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा। सांस लीजिए, छत की तरफ देखिए, सांस छोड़िए, नाभि की तरफ देखिए और नाभि को अंदर की तरफ, पेट को अंदर की तरफ, और पूरी स्पाइनल कॉर्ड को धनुष की तरह या सी का शेप बना दें ऐसे। एक बार और सांस लिया, छत की तरफ देखा, चाहे तो कुछ देर होल्ड कर ले, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपनी नाभि की तरफ देखें। तो ये हो गया सीटेड कैट एंड काउ स्ट्रेच। इसका अभ्यास कम से कम 15 से 20 बार कर लेना, जिंदगी में कभी भी नेक, शोल्डर और स्पाइन का पेन नहीं आएगा। अगले अभ्यास में तो और भी मजा आने वाला है। अब इतना बेहतरीन सीटेड कैट एंड काउ स्ट्रेच करने के बाद अब हम अपने स्पाइनल कॉर्ड की लेंथनिंग करेंगे और फिर बेंडिंग करेंगे। किस तरीके से देखिए, तो दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा लें और इसको अपने सर के ऊपर रख लें। अब अपने दोनों पाम्स को छत की तरफ यानी सीलिंग की तरफ ऐसे मोड़ दें और पूरी की पूरे कंधों को, हाथों को छत की तरफ खींचे, जिससे पेट पर इसका इफेक्ट आ जाएगा, आपको पेट इंगेज हो जाएगा। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए बेंड राइट, छत की तरफ देखें, सांस लेते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए बेंड लेफ्ट, छत की तरफ देखें ऐसे। फिर उसके बाद सेंटर आए और दोनों पाम्स को वापस से अपने घुटनों के ऊपर रख दें। ये हुआ एक सेट। ऐसे आप इस कम से कम इसके 5 से 10 कर लें। मैं आपको दो बार और बताती हूँ। सांस लिया, अपने दोनों हाथों को ऐसे सर के ऊपर रख दिया, टर्न योर पाम्स अप टुवर्ड द सीलिंग, सांस लें और सांस छोड़े बेंड राइट, सांस ले सेंटर और सांस छोड़े बेंड लेफ्ट, एंड दोनों पाम्स को अपने थाई के ऊपर रख दें। अगला एक राउंड और, उंगलियों को फंसाया, सर के ऊपर रखा, टर्न कर दिया सीलिंग की तरफ, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे सेंटर से झुके, ऐसे सामने नहीं झुके, नीचे नहीं देखें,
ऐसे धीरे से छत की तरफ देखें और फिर सांस लें सेंटर, वापस से स्पाइनल कॉर्ड को लेंथनिंग करें और फिर बेंड हो जाएं ऐसे, और फिर उसके बाद सेंटर एंड फिर उसके बाद दोनों पाम्स को अपने घुटने के ऊपर रख दिया। तो ये हो गई पहले लेंथनिंग और फिर उसके बाद साइड बाय साइड ऐसे बेंडिंग कर दी। अब इस बेंडिंग को हम और थोड़ा डीप करते हैं और करते हैं अगले स्ट्रेच का अभ्यास, जो कि है साइड बेंडिंग और भी ज़्यादा डीप। तो अब इस प्रैक्टिस को भी इसी तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अपने राइट हाथ को पहले छत की तरफ खींच रहे हैं ऐसे, और छत की तरफ खींचेंगे ना तो ऐसे महसूस कीजिए कि आप छत से लटक रहे हैं। फिर अपने लेफ्ट पाम को लेफ्ट थाई के साइड में रख के हल्का सा लेफ्ट पाम को स्लाइड करें, फिर लेफ्ट एल्बो को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें और छत की तरफ देखें ऐसे। सांस लें सेंटर, राइट पाम को राइट थाई की साइड में रख दें, लेफ्ट पाम को ऐसे छत की तरफ खींचें, छत की तरफ देखें और राइट पाम को हल्का सा मैट पर स्लाइड करके राइट एल्बो को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें और छत की तरफ देखें ऐसे। और हाथ को खींचा हुआ रखें, हाथ को ऐसे ढीला ना छोड़ें, खींचा हुआ रखें ताकि साइड पर पूरा बेंड आए। इसको आप कम से कम 15 से 20 बार अगर कर लेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी आपको साइड में जो पेन है, लाइक आपके पूरे के पूरे कंधे पर और स्पाइनल कॉर्ड पर जो पेन है वो धीरे धीरे तो जाता हुआ नजर आएगा और आप फ्लेक्सिबल भी बहुत होंगे ऐसे। सांस लें, देखिए हाथ सीलिंग की तरफ खींचा हुआ है और जिस पाम को मैं स्लाइड कर रही हूँ उसको धीरे से एल्बो को ऐसे ड्रॉप किया, छत की तरफ देखा। फिर दूसरे हाथ को भी ऐसे लास्ट बार एक बार और कर रहे हैं और इसको कम से कम 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक हर एक साइड होल्ड करके रखिए और ऐसे खींच के रखिए ऐसे। तो इसका पूरा का पूरा खिंचाव ये साइड पूरी की पूरी मसल्स पर आ गया ऐसे, और फिर उसके बाद रेस्ट करें और रिलैक्स करें। अब अगले अभ्यास के लिए वापस से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए हैं। इसमें हम ट्विस्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। तो किस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए हैं, दोनों पाम्स को अपने घुटने के ऊपर रख लिया है। पहले ये अभ्यास हम राइट साइड करेंगे, तो राइट हाथ को धीरे से उठाएं और इसको अपनी बॉडी के पीछे रख दें और लेफ्ट पाम को अपनी राइट नी के ऊपर रखें और अपनी गर्दन को टर्न कर दें अपने राइट शोल्डर की तरफ और पीछे देखें ऐसे, पीछे देखते रहें और ये इसका पूरा इफेक्ट अपनी स्पाइनल कॉर्ड पर पूरा महसूस करें, गर्दन पर, कंधों पर। फिर उसके बाद अपने राइट पाम को लेफ्ट नी के ऊपर रखें, लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रखें और सांस लें और सांस छोड़ते हुए पीछे देखें। पीछे देखना इसमें ज़रूरी है, जितना आप पीछे देखेंगे उतना ही आपको ट्विस्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड पर आएगा। दो बार और, सांस लें और सांस छोड़ते हुए लुक बैक, सांस लें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से लुक बैक। अब जब एक अगला राउंड कर रही हूं, इसको पीछे से मैं किस तरीके से कर रही हूं ये भी देखें ऐसे। तो मैं ऐसे झुक गई, पहले राइट साइड, तो राइट पाम को लेफ्ट नी के ऊपर रखा और लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रखा ऐसे और धीरे से अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ टर्न कर दिया और पीछे देख रही हूं। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी देखें, जब मैंने अपने लेफ्ट पाम को राइट नी के ऊपर रखा ऐसे और राइट पाम को बॉडी के पीछे रखा तो ऐसे पीछे देखना है ऐसे। तो आप चाहें तो इसको 3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड हर साइड होल्ड करके अभ्यास करें। यकीन मानिए इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे आपको बहुत आराम मिलेगा, गर्दन पर और कंधे के दर्द पर, कमर के दर्द पे आपको बहुत आराम मिलेगा। अब अगला अभ्यास, आप वापस से ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे रहें, कमर गर्दन को सीधी रखें। अब हम डायगनली बेंड होंगे, सांस लिया, क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, सामने देख रहे हैं, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अपने राइट शोल्डर को लेफ्ट नी की तरफ ड्रॉप करेंगे ऐसे। सांस छोड़ते हुए 1, सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए 1, सांस ले लिया। इसको कम से कम 3 से 5 सेकेंड या 10 सेकेंड अपनी ब्रीदिंग की क्षमता के अनुसार रोक के रखें। सांस लिया
और 5 सेकेंड में होल्ड करूंगी सांस छोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5 सांस ले लिया सेंटर और सांस छोड़ते हुए वापस से ड्रॉप करेंगे। सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5 एक बार और। अब 10 सेकेंड का होल्ड कर रही हूँ। सांस लिया और सांस छोड़ा ड्रॉप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सेंटर। सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए ड्रॉप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो कंधे पर इफेक्ट, गर्दन पर इफेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड पर इफेक्ट आ गया। तो देखा आपने मैंने कितनी आसानी से ये सारी प्रैक्टिसेस आपको बताई। पहले वार्म अप करना बताया, फिर ये 5 तरीके के अलग अलग स्ट्रेचेस बताए आपको, जिससे कि आई एम श्योर कि आप काफ़ी इजी और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आप अभ्यास कीजिए और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ डिटेल में, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तो ज़रूर शेयर किया होगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलती हूँ। नमस्ते।